जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीकॉम एमकॉम कोचिंग पढ़नी है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस को हिंदी में क्या कहेंगे? छोटे व्यवसाय का प्रबंध। छोटे का मतलब होता है लघु, ध्यान दीजिएगा लघु। छोटे व्यवसाय का प्रबंध, ध्यान दीजिएगा छोटे व्यवसाय का प्रबंध। छोटे को लघु बोलते हैं, MSME बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परिभाषा पूछा जाता है। किस चीज़ की परिभाषा आपके पेपर में आएगा? लघु एवं मध्यम वर्ग का व्यवसाय। लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यवसाय का आशय पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फोकस कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। लघु MSME, ठीक है, MSME इसको बोलते हैं। इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछी जाती हैं? विशेषता क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। इतना सबसे पहले आपको तैयार करके रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए, इसके क्षेत्र बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ सकता है, स्मॉल एंड मीडियम हो गया इंग्लिश में कहेंगे। अगला पूछेगा दूसरा प्रश्न, लार्ज स्केल बोला गया है। लार्ज का मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़े व्यवसाय से क्या आशय है, विशेषताएं तैयार करें। बड़े व्यवसाय से क्या आशय है, लार्ज स्केल बिजनेस क्या होता है, इसकी विशेषता इसको तैयार करना है आपको। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है छोटे उद्योग से क्या आशय है, क्या आशय है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, छोटे उद्योग से क्या आशय है। छोटे उद्योग का मतलब यही इसी में आ जाएगा, लघु उद्योग से क्या आशय है। पहले ही प्रश्न में इसका पूरा चीज़ छिपा हुआ है। अगला आपको लिखना है, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली, व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली विभिन्न एजेंसियां कौन कौन सी हैं। विभिन्न एजेंसी कौन कौन सी है छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली। उसके बाद आपको तैयार करना है, एक होता है केंद्रीय सरकार की एजेंसी, एक होता है जो केंद्र सरकार बढ़ावा देती है, एक होता है राज्य सरकार जो बढ़ावा देती है। इसको ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। अगला प्रश्न, छोटे व्यवसाय के उत्पादन
शुरू करने की विधियाँ, मतलब कि छोटा व्यवसाय अपना उत्पादन कैसे शुरू करता है, कौन कौन सी विधियाँ अपनाता है, परियोजना का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, परियोजना का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, परियोजना का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, परियोजना को प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो परियोजना चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद और लघु व्यवसाय के संगठन, लघु व्यवसाय का संगठन कैसे होता है, लघु व्यवसाय का संगठन क्या है, मतलब छोटे व्यवसाय में संगठन कैसे बनाया जाता है। अगला, छोटे व्यवसाय का विपणन, लघु व्यवसाय का संगठन, संगठन कैसे होता है, छोटे व्यवसाय की मार्केटिंग कैसे की जाती है, छोटे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं वो अपने मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसकी विधि आपको बतानी पड़ेगी। अगला आपको लिखना है लघु व्यवसाय की, लघु या सूक्ष्म बोलते हैं, लघु व्यवसाय की कठिनाइयाँ, छोटे व्यवसाय की कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, छोटे व्यवसाय को करने में कौन कौन सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। अगला है लघु व्यवसाय या सूक्ष्म व्यवसाय के वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वित्तीय संस्था मतलब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो छोटे व्यवसायियों को पैसा उपलब्ध कराती हैं, पूंजी उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। अगला लिखना है लघु व्यवसाय के असफलता के कारण बताइए, लघु व्यवसाय असफल कैसे हो जाता है, इसके कुछ कारण आपको बताने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, लघु व्यवसाय के नियम व प्रावधान कौन से हैं, मतलब कि लघु व्यवसाय को करने के नियम क्या हैं, प्रावधान क्या हैं। अगला है भारत को आगे बढ़ाने में उद्यमियों का क्या योगदान है, उद्यमी का मतलब होता है जो उद्यमिता से आशय भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको ध्यान देना है, उद्यमिता से आशय भी क्वेश्चन में पूछ सकता है उद्यमी। अगला प्रश्न है क्या योगदान है, ठीक है, इसको मतलब उद्यमी से संबंधित, इतनी सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में 100% आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है तब भी उसका उत्तर आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना, पेपर में आपको ये फ़ायदा रहेगा, जो ना आता रहे उसको भी लिखिएगा, जितने शब्दों में कहा रहे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अधिक से अधिक नंबर मिलने की पूरी संभावना होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके यहाँ।